तो आ चुका हूँ फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको वीडियो दे दिया है कि फ्रीचार्ज ने लॉन्च कर दिया रेफरल अर्न वाला ऑफ़र। मैंने उस वीडियो में आपको ये कहा था कि जल्दी इस पर वीडियो आने वाला है, मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा कैसे आप रेफ़र कर सकते हैं, लाइव आपको रेफ़र करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली आज आपके लिए वो वीडियो आ चुका है। दोस्तों अगर आप फ्रीचार्ज पर रेफ़र करेंगे तो आपको काफ़ी सारा कैशबैक मिलेगा। आज मैं आपको लाइव रेफ़र करके दिखाने वाला हूँ, सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सारी की सारी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि आप रेफ़र को डाल कर रेफ़र कर सकते हैं, या दोस्तों आप लिंक के ऊपर क्लिक कर कर सीधा रेफ़र कर सकते हैं। जैसे आप रेफ़र करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊँगा कैशबैक का जो मुझे मिला है रेफ़र करने के बाद। मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊँगा, आप सीख जाएंगे इस वीडियो को पूरा देख कर। तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर सब कुछ सीख जाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ऑफ़र के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं जिन पर वीडियो आना पॉसिबल नहीं होता, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी सारे ऑफर के बारे में बताता हूँ जिन पर वीडियो आना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो हर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक फ्री चाय पर अपना यूपीआई नहीं बनाया है तो मैं नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर अपना यूपीआई बनाइए। और आपको 50 रुपये इसकी ट्रायन करनी पड़ेगी तो आप कर लीजिए, और रेफरल लिंक आप क्लेम ऐसे कर लीजिए। तो मैं बात करता हूँ कि आप कैसे रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों रेफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ्रीचार्ज ऐप ओपन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना फ्रीचार्ज ऐप ओपन कर लूँगा। फ्रीचार्ज ऐप ओपन दोस्तों होने के बाद आपको ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पर प्रोफाइल वाला लोगो सारा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों नीचे यहाँ पर आ रहा है चौथे नंबर पर रेफर एंड अर्न, और साथ में न्यू लिखा आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है ओवरव्यू रेफरनर, आ चुका है नीचे दोस्तों आ रहा है शेयर ऑन व्हाट्सएप शेयर। दोस्तों आप व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं जो भी शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैं फिलहाल व्हाट्सएप पर ये लिंक शेयर कर दूँगा। तो मैंने जैसे शेयर ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक किया तो मेरा व्हाट्सएप आ चुका है। तो मैं जैसे ही व्हाट्सएप अपना खोलता हूँ तो आगे से नंबर आ चुके हैं, तो मैं एक नंबर चूज़ कर कर सेंड कर दूंगा। दोस्तों आप उस यूज़र को लिंक सेंड कर दीजिए जिसको आप रेफ़र करना चाहते हैं, तो आप उसको सेंड कर दीजिए। दोस्तों लिंक सेंड करने के बाद आपको अपने उस दोस्त का फ़ोन लेना जिसको आप रेफ़र करना चाहते हैं। तो उसका फ़ोन लेने के बाद आप उसके व्हाट्सएप में जाइए जहाँ पर आपने लिंक सेंड किया है। अगर किसी और शेयरिंग ऐप के द्वारा किया है तो आप वहाँ पर लिंक देख सकते हैं। तो जैसे आप वहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेफ़र कोड भी साथ में शो हो रहा है। तो मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया, जैसे मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेकर दोस्तों क्रोम में ओपन होकर ये सीधा ऑटोमेटिक प्ले स्टोर में चला जाएगा। तो प्ले स्टोर में थोड़ी सी सर्चिंग भी हो सकती है, नेट पर डिपेंड करता है। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, इंस्टॉल वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग होना शुरू हो चुका है। दोस्तों नेट फास्ट है तो काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, नेट अगर स्लो है तो धीरे धीरे डाउनलोड होएगा। तो ये फिलहाल आपके नेट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो दोस्तों इंस्टॉलिंग का भी टाइम आपके मोबाइल के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल का प्रोसेसर कैसा है। तो इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो इंस्टॉलिंग हो चुका है यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओपन वाला। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा। जैसे मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया, हालांकि इस रेफर एंड अर्न ऑफर में अच्छी बात यह है कि आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको UPI बनाना है और आपको सेंड मनी करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो जैसे ऐप ओपन हुआ तो आगे से जो भी परमिशन है वो सारी की सारी अलाउ कर देनी है। तो मैं सारी सारी परमिशन अलाउ कर देता हूँ। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डाल दूंगा जिस पर मुझे अकाउंट बनाना है। दोस्तों अब मोबाइल नंबर डालने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप यहां पर उसी मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट कीजिए जिस मोबाइल नंबर के साथ आपके बैंक अकाउंट लिंक है जिस पर आप UPI बनाना चाहते हैं। अगर आप किसी और नंबर पर अकाउंट बनाएंगे तो फिर आप रेफ़र का पैसा नहीं ले सकते हैं, आपको रेफ़र का अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बैंक के लिंक नहीं करेंगे तो आपको रेफ़र का पैसा कैसे मिलेगा। मैंने अपना बैंकिंग वाला नंबर डाल दिया जिस पर मेरे अकाउंट सारे लिंक हैं। दोस्तों ये लोडिंग होने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि एंटर OTP। दोस्तों यहाँ पर OTP आने के लिए टाइम है। अगर दोस्तों OTP नहीं आता है तो आपको कॉल आएगी, कॉल के द्वारा OTP बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता दोस्तों, OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो आप खुद मैनुअल तरीके से भी
OTP फिल कर सकते हैं। तो अच्छी बात, यहाँ पर देख सकते हो OTP फिल हो चुका है, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद दोस्तों थोड़ी सी लोडिंग होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ्रीचार्ज अकाउंट क्रिएट हो चुका है। दोस्तों जब भी फ्रीचार्ज अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपको एक बार बैक कर देना है। बैक करने में दोस्तों आपको दोबारा से व्हाट्सअप वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो सीधा ऑटोमेटिक ही आपको UPI पर ले आएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है क्रोम में। लोडिंग होने के बाद ऑटोमेटिक ये फ्रीचार्ज में रिडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये फ्रीचार्ज में आ चुका है, तो थोड़ी सी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद उसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा ये आ चुका है UPI रजिस्ट्रेशन पेज पर। दोस्तों ऊपर दिखाई दे रहा है रेफरल कोड अप्लाई, मतलब कि दोस्तों रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है। अगर ऊपर ऐसे रेफरल कोड अप्लाई वाला आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो आप समझ जाइए कि आपका रेफर कोड अच्छी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। दोस्तों आप फिर मैनुअली यहाँ पर डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो फ्री चार्ज की मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपको पता चल रहा है कि आपका रेफर कोड अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। अगर अप्लाई रेफर कोड नहीं हुआ है तो आपको फिर भी पता चल रहा है, अगर अप्लाई हो गया है तो आपको फिर भी पता चल रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपका रेफर कोड नहीं हुआ, आपको पता चल जाएगा कि आपका कोड लगा ही नहीं लगा। तो आप चेक कर कर फिर आप दोस्तों UPI क्रिएट करना, फिर आपको रेफर का पैसा मिलेगा। मैंने दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो आगे से मेरी सिम चूज़ करने के लिए आ रहा है। आपने जिस सिम के नंबर पर अकाउंट बनाया वो सिम चूज़ कर लिए, तो मैं यहाँ पर जियो चूज़ करूँगा क्योंकि मैंने जियो वाले नंबर पर बनाया। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूँगा सिम चूज़ करने के बाद। जैसे मैंने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक किया दोस्तों यहाँ पर मैसेज सेंड हो रहा है। दोस्तों कभी कभी ये पहली बार मैसेज नहीं जाता, तो आपको 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ सकता है, तो आप 2 से 3 बार ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा पहली बार ही हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है फैचिंग यूर अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर मेरा UPI बन चुका था, आप UPI यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, हालांकि बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने बताओ UPI वगैरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कन्फर्म एंड लिंक बैंक अकाउंट। जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों आगे ऊपर आ रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक आ रहा है ऑटोमेटिक। दोस्तों आपका और जो भी अकाउंट आप वो सारे के सारे लिंक कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे ये अकाउंट ऑनली लिंक करना है। दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आगे से कह रहा है यूर फ्री चाहे UPI इज़ रेडी। दोस्तों मतलब कि ये पूरी तरह तैयार हो चुका है, अब मैं यूज़ इसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर गो टू होम पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब क्लिक करूँगा UPI सेंड मनी पर। दोस्तों यहाँ पर मैं डालूँगा अपने फ्री चार्ज का मोबाइल नंबर। दोस्तों आप किसी भी UPI ID पर सेंड मनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ मिनिमम सेंड करना है, 50 से ऊपर आप कितने कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर डालूँगा फ्रीचार्ज वाला, मिनिमम दोस्तों आपको 50 करना है, उससे ऊपर आप जितना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे नंबर डाला तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है पवनदीप, तो मैं पे पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने पे नंबर पर क्लिक किया यहाँ पर मैं 50 रुपीज़ डालूँगा। जैसे मैंने 50 रुपीज़ अमाउंट डाला तो यहाँ पर नीचे पे पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने नीचे पे पर क्लिक किया दोस्तों आगे से मेरा UPI पिन मांग रहा है, तो मैं अपना UPI पिन डाल दूंगा। जैसे मैंने UPI पिन डाला दोस्तों यहाँ पर देख सकते सक्सेसफुल 50 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन हो चुकी है। और दोस्तों ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों विद इन 1 घंटे के अंदर जा दोस्तों इंस्टेंटली आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो मैं आपको कैशबैक दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना फ्रीचार्ज ऐप ओपन कर लूँगा। मैं अपना फ्रीचार्ज ऐप ओपन करने में दोस्तों आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर प्रोफाइल वाली लोगो पर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं ट्रायन पर जाऊँगा, जो माई ट्रायन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैशबैक रिसीव्ड, नीचे लिखा है सक्सेसफुल रेफरल, मतलब दोस्तों सक्सेसफुल रेफर हो चुका है। तो ऐसे आप रेफर कर सकते हो दोस्तों, हालांकि मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं रेफरल पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा माई अर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 1 रेफर हो चुका है और 20 रुपीज़ मुझे मिल चुके हैं। यहाँ पर किंदर नाम ही आ रहा है जिसको मैंने रेफ़र किया है। दोस्तों ऐसे आप किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं फ्रीचार्ज पर। तो आगे आने वाले समय में रेफ़र का अमाउंट बढ़ेगा दोस्तों, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो ऐसे आप फ्रीचार्ज पर किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं, मैंने आपको पूरे सिखा दिया है। आज के यहाँ तक था, अगर आपको वीडियो से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर जाने को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ।